नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। क्या कुछ लोगों ने ये कसम ही खा ली है कि वो जब भी मुंह खोलेंगे तो बस गोबर ही करेंगे बोलने से पहले? क्या ये लोग जरा भी नहीं सोचते, या फिर अनाप शनाप बोलकर सुर्खियों में बने रहना ही इनकी फितरत बन चुका है? इतनी समझ तो एक आम हिंदुस्तानी में भी है कि देश का मान सम्मान क्या होता है, देश के वीर जवानों की शहादत पर क्या बोलना है क्या नहीं। 2400 घंटे आप हर मुद्दे पर राजनीति तो नहीं कर सकते ना, देश से ऊपर तो कुछ नहीं है। देश के सैनिकों को तो कम से कम बख्श दीजिए, उनकी शहादत पर तो राजनीति मत कीजिए। गंदगी अगर आपके दिमाग में है भी तो कम से कम जुबान पर तो मत लाइए। क्यों हर बार आपको बकवास ही करनी होती है? जी हाँ, मैं कांग्रेस के पूर्व और मौजूदा प्रॉक्सी अध्यक्ष राहुल गांधी की ही बात कर रही हूँ। जरा सोचिए, आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए एक काला दिन है। जी हाँ, ब्लैक डे है 14 फरवरी का दिन हर भारतीय के लिए। आज के दिन ठीक एक साल पहले 14 फरवरी 2019 को हमने अपने 40 जांबाज जवानों को हमेशा के लिए खो दिया था। गुरुवार 14 फरवरी 2019 का दिन था। ये घटना दोपहर बाद 3:30 बजे के आसपास घटी थी। सीआरपीएफ से जुड़ी 78 बसें जिनमें लगभग 2500 जवान सवार थे, वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे नंबर 44 से गुजर रही थी। ये बताना जरूरी है यहाँ पर कि हर बार की तरह इस बार भी सड़क पर दूसरे वाहनों की आवाजाही को रोके बिना ही सीआरपीएफ का ये 78 बसों का काफिला जम्मू की तरफ आगे बढ़ रहा था। पहले जब सेना की टुकड़ी गुजरती थी तब सारे रास्ते बंद कर दिए जाते थे, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी तब कई लोगों ने सरकार से गुजारिश की थी कि रास्ता बंद होने की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कत होती है। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने ही यह फैसला किया था कि रास्ते को बंद नहीं रखा जाएगा। जरा सोचिए, बसों में बैठे कई जवान छुट्टी पर वापस अपने घर जा रहे थे, उनके चेहरों पर अपनों से मिलने की खुशी थी। सबसे अहम बात यह है कि इसी हाईवे पर 2 दिन पहले यानी 12 फरवरी को भी आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया था, इसीलिए हर कोई काफी सावधानी बरत रहा था। तभी अचानक दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने आकर इस काफिले के साथ चल रही एक बस को जोरदार टक्कर मार दी। फिर क्या था, इसके साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ, पूरा इलाका दहल उठा। बस के साथ ही उसमें सवार जवानों के शरीर के परखच्चे उड़ गए और कई कई मीटर दूर तक के छिटक कर जा गिरे। जवान कुछ समझ पाते या हमले का जवाब देने के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले पाते, उनके ऊपर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ के हमारे जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गए। हर तरफ धुएं का अंबार ही अंबार था। जैसे धुआं छटा और फायरिंग बंद हुई तो वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। हर तरफ मांस के टुकड़े और खून पड़ा हुआ था। जवान अपने साथी जवानों को तलाश रहे थे। कुछ ही देर में यह खबर मीडिया के जरिए पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस हमले के बाद से गुस्से में था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। ये जवान सीआरपीएफ की 76 बटालियन से थे। इसके अलावा कई जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इन जवानों को तुरंत श्रीनगर में आर्मी के बेस हॉस्पिटल ले जाया गया। इस हमले के पीछे पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ था, लेकिन इस हमले के फौरन बाद ही पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि पुलवामा में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान की मीडिया ने इस घटना को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया, कहा कि इंडिया ने खुद ही अपने सैनिकों को मरवाया है। शर्मनाक बात यह है कि देश के कई विपक्षी लीडर्स ने भी पाकिस्तान के दावों को सच मान लिया और अपने ही देश की सरकार और सेना के खिलाफ जहर उगलने लगे। इन लीडर्स में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी और कई सारे लीडर्स जो ये सवाल पूछने लगे कि वोट की खातिर कितने लोगों का खून बहाया जाएगा, लेकिन लोगों ने इन नेताओं के सवालों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस वक्त पूरा देश इस हमले के बाद गुस्से से उबल रहा था। और फिर पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में अपने लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक कर दिया। 26 फरवरी को तड़के वायुसेना के मिराज 2000 जेट ने नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शिविरों पर हवाई हमला कर 200 से 300 आतंकवादी मार डाले थे। इसके बाद कहीं जाकर देश के लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। आज अपने इन जांबाज जवानों की शहादत पर सैल्यूट करने का दिन है, उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है। पर देखिए आज के दिन की शुरुआत कैसे अजीबोगरीब ट्वीट से हुई।
कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, इतने बड़े नेता कि उनके बिना पार्टी का वजूद ही संकट में पड़ जाता है। जब वो अध्यक्ष हों तब भी पार्टी में उनकी चलती है, जब वो अध्यक्ष ना हो तब भी पार्टी में उनकी चलती है। वो इतने बड़े नेता है कि पार्टी में उनके लिए बाकायदा उपाध्यक्ष का पद क्रिएट किया गया था। जी, ये राहुल गांधी ही हैं। देखिए आज सुबह का उनका ये ट्वीट। वो ट्वीट करते हैं, टुडे एज वी रिमेंबर आर 40 CRPF मार्टर्स इन पुलवामा अटैक, लेट अस आस्क हु बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द अटैक, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द इंक्वायरी इनटू द अटैक, हु इन द बीजेपी गवर्नमेंट हैज येट बीन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द सिक्योरिटी लैप्सेस दैट अलाउड द अटैक। जी, राहुल गांधी ट्वीट पर लिखते हैं, आज हम पुलवामा हमले के शहीद CRPF के 40 जवानों को याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, इस हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? दूसरा, हमले के लिए हुई जांच पड़ताल में क्या सामने आया? तीसरा, सुरक्षा में हुई चूक के लिए बीजेपी में किसको जिम्मेदार ठहराया गया? जी, ये तीन सवाल राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से पूछे हैं। सुरक्षा जांच पड़ताल के सवाल पूछने का क्या यही दिन चुना था कांग्रेस के इस दिग्गज नेता ने? संसद के सत्र में जब चाहे वो सवाल पूछ सकते हैं, वो बाकायदा लोकसभा के वायनाड से सांसद है। लेकिन राहुल के पहले सवाल पर जरा गौर कीजिए, कैसा बेतुका सवाल है। देश के जवानों की शहादत पर राजनीतिक फायदे की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, जवानों का लहू बहा उसमें भी राजनीति तलाश रहे हैं राहुल गांधी। चलिए राहुल, आपके सामने भी हम सिर्फ तीन सवाल ही रख रहे हैं। पहला, जरा बताइए 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला था? दूसरा, उस हत्याकांड के बाद देश भर में सिखों के खिलाफ भड़के दंगों के लिए कौन जिम्मेदार था? तीसरा, इन दंगों के लिए जिम्मेदार कितने कांग्रेसी नेताओं पर पिछले 35 साल में कार्रवाई की गई है? मोदी सरकार तो राहुल 2014 में ही आई है, उससे पहले यानी 1984 से लेकर 2014 तक जब जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तो क्या उन्होंने सिख दंगों से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कुछ खास किया? जरा ये भी बता दीजिए। वैसे लिस्ट बहुत लंबी है कांग्रेस के शासनकाल में जवानों पर हुए आतंकवादी हमलों के साथ साथ देश भर में हुए बम धमाकों की। सबकी बात यहां पर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की बात जरूर करूंगी। सिर्फ उसी से जुड़े सवालों के जवाब भी दे दीजिए। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आत्मघाती हमलावरों ने सीरियल बम धमाकों के अलावा कई जगहों पर मुंबई में अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में 180 लोग मारे गए थे और 300 लोग जख्मी हुए थे। आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था, जिसे मुकदमे के बाद फांसी दे दी गई। लेकिन इस हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे आकाओं के खिलाफ आपकी सरकार ने क्या किया था? तब आतंकवादी मुंबई कैसे पहुंच गए थे? सुरक्षा में चूक कहां हुई थी? यूपीए सरकार में इतनी बड़ी घटना के लिए कौन जिम्मेदार ठहराया गया था? और उस नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी आपकी सरकार ने? बताइए जरा, सवाल पूछना आसान होता है राहुल, लेकिन जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। ये याद रखिए कि मुंबई हमले के बाद किसी ने आपकी तरह बेतुके सवाल नहीं पूछे थे कि कांग्रेस के किस मंत्री ने पाकिस्तान से 10 आतंकवादियों को मुंबई पहुंचाने में मदद की थी, और किसने मुंबई में उन 10 आतंकवादियों को पनाह दी थी, खाना खिलाया था और हथियार दिए थे। उस वक्त आप ही की सरकार थी। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि दाऊद के लोगों से कांग्रेस और NCP के नेताओं का क्या रिश्ता है। मुंबई हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। देश की आर्थिक राजधानी 4 दिन तक जलती रही थी इस हमले के बाद। तब क्या किया था उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने या आपकी यूपीए सरकार ने? सेना तब भी तैयार थी बदला लेने के लिए, तब भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन आज जब सरकार एक्शन ले रही है तो आपको सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। इसराइल के कुछ नागरिक भी मुंबई हमले में मारे गए थे। इसराइल ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा भी था और पूरा साथ देने का भरोसा भी दिया था, याद है आपको? या आपको सिर्फ भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यादेश फाड़ने वाली बात ही याद है? तब आपने सवाल किए थे क्या अपनी सरकार से? यूपीए के शासनकाल में कितने बम धमाके हुए हैं देश में? उस वक्त कितनी कुर्बानियां दी थी कांग्रेस ने अपने नेताओं की? कितने की जांच पड़ताल करवाई थी आपकी सरकार ने? मिस्टर राहुल गांधी, कम से कम देश के जवानों को, सेना को तो बख्श दीजिए, उनके मुद्दों पर राजनीति मत कीजिए। याद रखिए, जब आप एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो तीन अपने आप आपकी तरफ उठ जाती हैं। वैसे भी कम से कम इतनी तो समझ आप में होनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक गंभीर विषय है जिस पर हर पार्टी और नेता को राजनीति करने से बचना चाहिए। लेकिन एक आप है जो सुधरते ही नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल TV।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।